सो हेलो एंड वेलकम गाइस, आप सभी का फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पिरिट टॉक्स में और एक और इस चैनल पे हमारे नए कंपैरिजन वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम दो ऐसी बाइक को कंपेयर करने वाले हैं जो कि दोनों ही अलग अलग कंपनी की तरफ से आती है, और इसके बाद भी एक इसी तरीके का कुछ कंपैरिजन वीडियो आने वाला है। तो उसे सबसे पहले देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करना ना भूले। तो आज के वीडियो में हम कंपेयर करने वाले, जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया था, हीरो ग्लैमर BS6 वेरिएंट वर्सेस TVS अपाचे 2V। अब कहीं सारे लोग ये पूछेंगे कि अपाचे 160 सीसी के साथ आती है और जो ग्लैमर है वो 125 सीसी के साथ, तो यहाँ पे कंपैरिजन किस मामले में बनती है? तो भाई मैं बोलता हूं, किसी मामले में इन दोनों बाइक को कंपेयर नहीं किया जा सकता। लेकिन जैसे कि आप सभी को पता है, और भाई एक सीधी सी बात है कि अगर आप अभी भी ग्लैमर और अपाचे 2V दोनों को ही साथ में रखते हो ना, तो दोनों ही आपको सेम सी बाइक लगती है। देखने पे आपको कोई भी लुक वाइज, या तो फिर जो अग्रेशन है, या तो फिर दोनों ही बाइक के जो पोस्चर है उसके वाइज, दोनों ही बाइक सेम लगते हैं। बस इसी वजह से आज का ये कंपेरिजन वीडियो हम बना रहे हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे दोनों ही बाइक के ओवरऑल लुक्स के बारे में। तो भाई लुक्स के मामले में मेरे हिसाब से दोनों ही बाइक सेम से मुझे दोनों ही अच्छी लगती है। दोनों में से एक में भी कोई भी खराबी आपको देखने को नहीं मिलती। लेकिन हाँ, सबसे बड़ा डिफरेंस जो यहाँ पे आपको इन दोनों ही बाइक में इंप्रेशन में देखने को मिल जाता है वो है इन दोनों ही बाइक का जो फ्रंट एंड है उसका अग्रेशन। अगर आप TVS अपाचे 162V को देखने जाते हो ना, तो वो एक भाई एक स्मार्ट बाइक लगती है आपको। एक क्या है ना, वो आपको ज्यादातर पता होगा कि इंडिया की जो पुलिस है ना, वो अपाचे 2V जो वेरिएंट आता है उसका 162V उसे ज्यादा सजेस्ट करती है। यानी कि अपाचे 2V एक पावरफुल बाइक है और जो 160 सीसी का इंजिन है ना उसका, वो बाइक गजब की रिलायबिलिटी आपके लिए लेके आ जाता है। और अगर हम बात करें यहाँ पे ग्लैमर के बारे में, तो भाई 125 सीसी की टॉप मोस्ट सेकंड सेलिंग बाइक्स में से एक आ जाती है हीरो ग्लैमर, जो कि अपने साथ एक परफेक्ट कॉम्बो लेके आ जाती है, जहां पे आपको अच्छे खासे लुक्स भी मिल जाते हैं, अच्छी खासे 125 सीसी इंजन के अकॉर्डिंग पावर, 125 सीसी इंजन अकॉर्डिंग माइलेज, और 125 सीसी इंजन अकॉर्डिंग और उसकी प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग वहां पे आपको एक अच्छा खासा सा एक इंस्ट्रूमेंटेड क्लस्टर और एडवांस फीचर लिस्ट भी प्रोवाइड कर दी जाती है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इन दोनों ही बाइक की प्राइस के बारे में। तो ग्लैमर का जो फ्रंट डिस्क ब्रेक वेरिएंट आता है वो जो टॉप एंड मॉडल यानी कि ग्लैमर का, वो तकरीबन आपको ऑन रोड दिल्ली के अकॉर्डिंग 85,000 या 86,000 के आसपास मिल जाता है। 1,000 रुपीज का कहीं सारे स्टेट वाइज डिफरेंस आपको देखने को मिल जाने वाला है। और अगर हम बात करते हैं दूसरी तरफ TVS अपाचे की, तो जो उसका बेस वेरिएंट आता है फ्रंट डिस्क ब्रेक वाला, वो तकरीबन ऑन रोड दिल्ली के अकॉर्डिंग आपको 1,15,000 या तो फिर 1,16,000 के आसपास मिल जाने वाला है। तो यहाँ पे प्राइस डिफरेंस बहुत बड़ा है, तो उसे सबसे पहले आप ध्यान में रख लीजिएगा। और अगर हम बात करने जाते हैं दोनों बाइक के कुछ फीचर लिस्ट के, यानी कि एडवांस कौन सी बाइक ज्यादा एडवांस फीचर लिस्ट आपके लिए लेके आ जाती है, तो भाई यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करोगे कि दोनों में जो आपको इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर प्रोवाइड कर दिया जाता है ना, वो पूरा डिजिटल नहीं मिलता। जी हाँ, आपने सही सुना, जो अपाचे 2V है उसका जो इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर है वहां पे आपको जो RPM मीटर है वो एनालॉग सिस्टम में ही मिलने वाला है। BS6 में अपग्रेड करने के बाद भी अपाचे 2V का जो इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर है वो आपको एनालॉग प्लस डिजिटल सिस्टम में देखने को मिलता है। और जो ग्लैमर है वहां पे आपको RPM मीटर तो देखने को नहीं मिलता, क्योंकि वो एक कॉम्यूटर सेगमेंट की बाइक है। लेकिन वहां पे भी आपको जो स्पीडोमीटर है उस बाइक का, वो आपको एक एनालॉग सिस्टम में, और बाकी सारे जो फीचर लिस्ट है जैसे कि फ्यूल टू एम्पटी, साथ ही साथ उस बाइक की आपकी आपकी जो लोकल एवरेज होगी, वो सभी आपको एक डिजिटल पार्ट में देखने को मिल जाते हैं। यानी कि दोनों ही बाइक में आपको एनालॉग प्लस डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर प्रोवाइड कर दिया जाता है। और अगर हम यहाँ पे इन दोनों ही बाइक के कुछ लाइटिंग सेटअप्स की भी बात, और अगर हम फ्रंट की बात करें, तो यहाँ पे जो अपाचे है वहां पे आपको फुल्ली डिजिटल LED हेडलैम्प प्रोवाइड कर दिया जाता है, जबकि ग्लैमर में एक नॉर्मल सा हेलोजन बल्ब प्रोवाइड कर दिया जाता है। बट भाई स्टिल ये सेटिस्फाइड है कि जो ग्लैमर का हेलोजन हेडलैम्प है ना, वो दूसरी अदर किसी भी 125 या तो फिर 160 सीसी में
जो कि अंदर 1,15,000 के अंदर अंदर आ जाते हैं। उन सभी बाइक के जो एलईडी हेडलैम्प है उससे काफी ज्यादा अच्छी तरीके से वर्क करके आपको देने वाला है, लेकिन वो आपके ऊपर मैटर करता है कि आपको दोनों में से कौन सी चीज अपनी बाइक में रिक्वायर्ड है। अब यहाँ पे अपाचे और जो ग्लैमर है दोनों में आपको टर्न इंडिकेटर्स बल्ब में मिलने वाला है। जो ग्लैमर है उसका रियर टेल लैम्प सेक्शन है वो आपको एलईडी में मिल जाता है, और साथ ही साथ जो टीवीएस अपाचे है उसका भी टेल लैम्प सेक्शन आपको एलईडी में प्रोवाइड कर दिया जाता है। दोनों ही बाइक काफी ज्यादा शानदार है, लेकिन हाँ जैसे कि आप सभी को पता है कि अपाचे 2V अपने साथ लेके आ जाते हैं 160cc का इंजन, जबकि ग्लैमर आती है 125cc के इंजन के साथ। अब इस वीडियो को लंबा नहीं खींचते, मैं आपको शॉर्ट में एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दे देता हूं कि अगर आप कोई ऐसी बाइक फाइंड आउट कर रहे हो ना सीधे तौर पे जिसमें आपको 90,000 के अंदर मिल जाए, साथ ही साथ उस बाइक में आपको माइलेज मिल जाए, अच्छे से ठीक ठाक से लुक्स भी मिल जाए, साथ ही साथ वो बाइक इनफ टू पावर हो अपने इंजन या तो फिर अपने सेगमेंट वाइज, और साथ ही साथ थोड़ी बहुत से आपको एडवांस फीचर लिस्ट भी चाहिए और वो भी 90,000 के अंदर अंदर, तो वहां पे आपके लिए ग्लैमर काफी ज्यादा शानदार ऑप्शन हो जाती है। और भाई अगर आप कोई ऐसी बाइक ढूंढ रहे हो ना जिसे आप रोड पे निकलो तो आपके इंप्रेशन अच्छी पड़े, रोड प्रेजेंस आपको ज्यादा गेन करके दे, साथ ही साथ उसके साथ आपको अगर कभी कभार उस बाइक को लॉन्ग टूर पे भी लेके जाना पड़े तब भी वहां पे वो बाइक हर एक तरीके की रोड कंडीशंस पे आपको अच्छी खासी वर्किंग करके दे, देन भाई पर्सनली आई सजेस्ट द टीवीएस अपाचे इज द बेस्ट वन। और भाई मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि अगर आप अपना बजट 1,10,000 या 1,15,000 के आसपास एक्सटेंड कर पाते हो ना तो टीवीएस अपाचे 2V इज द बेस्ट वैल्यू फॉर मनी बाइक फॉर यू, क्योंकि उस बाइक में हर एक चीज मिल जाती है। इनफैक्ट जो 4V मॉडल आता है उसका उससे भी 2V जो है वो ज्यादा अपने आपको इंडियन मार्केट में रिप्रेजेंट कर चुकी है, और यह साबित भी हो चुका है कि टीवीएस अपाचे अपना जो 160cc का इंजन लेके आ जाती है वहां पे उस बाइक में भरपूर आपको 160 के अकॉर्डिंग पावर भी मिल जाती है, साथ ही साथ वो बाइक आपको 160cc इंजन होने के बावजूद आपको नियर टू 55 या 53 की माइलेज निकाल के देती है, जो कि एक काफी ज्यादा शानदार चीज है यार। और अगर आप देखने जाते हो तो उस बाइक की टॉप एंड स्पीड भी आपको 120 किलोमीटर के आसपास देखने मिल जाती है, जबकि ग्लैमर जो है वो 110 या 105 के आसपास बस इनफ हो जाता है। और उसी के साथ भाई पर्सनल रिकमेंडेशन है कि अपाचे कहीं ना कहीं नहीं हर एक तरीके से ग्लैमर के मुकाबले आपके लिए बेस्ट पैकेज लेके आ जाती है, और साथ ही साथ लॉन्ग लाइफ रिलायबिलिटी की भी हम बात करें तो वहां पे टीवीएस की एक लौती अपाचे 4V के बाद दूसरी ऐसी बाइक है जिसे मैं रिकमेंड कर सकता हूं कि आप श्योरली 101% टीवीएस अपाचे 2V के ऊपर लॉन्ग लाइफ रिलायबिलिटी या तो फिर लंबे टाइम तक चलाने के बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो जा सकते हो, वो बाइक आपको हर एक तरीके का अच्छे से साथ निभा के देने वाली है, यानी कि बिल्ड क्वालिटी वाइज भी आपको अपाचे में कोई भी चीज देखने की जरूरत नहीं है। अब फिर से एक बार फाइनल कंक्लूजन क्लियर कर देता हूं कि अगर आप कोई ऐसी बाइक फाइंड आउट कर रहे हैं जो कि आपको एक अच्छी सी सिटी राइडिंग क्वालिटी प्रोवाइड करवा के दे, साथ ही साथ नियर टू 60 के आसपास माइलेज भी मिल जाए, और वो बाइक आपको फ्रंट डिस्क ब्रेक वाला वेरियंट उस बाइक का अंडर आपको 90,000 भी चाहिए, और वो भी डिस्क ब्रेक वाले में बात कर रहा हूं, और साथ ही साथ उस बाइक से आपको एक सिंपल सी अपने वर्क के लिए अप डाउन वाली राइडिंग ही करनी है ना, तो भाई ग्लैमर सबसे बेहतरीन ऑप्शन हो जाता है, तो आपको टीवीएस अपाचे पे जाने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर आप एक ऐसे बाइक फाइंड आउट कर रहे हैं जो आपको अच्छी रोड प्रेजेंस गेन करके दे, साथ ही साथ बाइक मस्क्यूलर हो, साथ ही साथ अच्छी खासी फीचर लिस्ट, और उसे चलाने के बाद आपको एक बार भी ऐसा महसूस ना हो कि जो आपने इन्वेस्ट किए 1,15,000 या फिर 1,20,000 वो आपने गलत जगह पे इन्वेस्ट किया, तो देन आपके लिए अपाचे 2V इज द सुपीरियर वन ऑप्शन। सो आई सजेस्ट कि आप नियरली शोरूम पे जाइए, दोनों ही बाइक की एक एक बार टेस्ट ड्राइव लीजिए, कोई भी कंपनी मना नहीं करती, उसके बाद आपको 101% क्लियर आउट हो जाने वाला है कि आपके लिए कौन सी बाइक ज्यादा बेहतरीन रहने वाली है। तो बस दोस्तों यही थी हमारी आज की वीडियो, आप देख के आपको वीडियो पसंद आई हो तो फॉर मोर टाइप इंटरेस्ट वीडियो प्लीज सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर वीडियो नोटिफिकेशन अपडेट। और साथ ही साथ एक बात और बता दूं कि कहीं सारी ऐसी चीजें हैं जो कि इस कंपैरिजन वीडियो में हमसे छूट ही जाती है, मैं कितनी भी ट्राई कर लूं लेकिन एक 10 या 12 मिनट के वीडियो में मैं उसे इंक्लूड नहीं कर पाता, और उससे बड़ा बनाऊंगा तो आप देखने नहीं वाले, तो उस जो भी चीजें आप मेरे से छूट गई है उसके लिए सॉरी। और अगर आप उन्हीं में से कोई चीज जानने के लिए इस वीडियो पे आए थे तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चन का 101% आंसर करने वाला हूं। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल टू द एंड।